Hi guys, welcome back to my channel. This is Kiran. I hope you are doing well. So, आज मैं आप लोगों के साथ बिरयानी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ. तो प्लीज़ वीडियो को पूरा ज़रूर देखें. अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें. थैंक यू. तो आइए सबसे पहले देखते हैं बिरयानी बनाने के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए, क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है. तो देखते हैं, फर्स्ट मैंने लिया है 1 kg चिकन, साथ में 1 kg चावल लिया है. आप अपने अकॉर्डिंग चावल चिकन ले सकते हैं, लेकिन हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि चावल से चिकन ज़्यादा ही लीजिएगा. मैंने सेम लिया है, लेकिन आप ज़्यादा लीजिएगा तो वो भी अच्छी रहेगी. साथ में मैंने लिया है 200 ग्राम, यहाँ पर लिया है दही, 50 ग्राम अदरक लहसुन का पेस्ट, हल्दी, सूखा मिर्चा पाउडर, आप अपने अकॉर्डिंग ये सब ले सकते हैं, नमक आपके स्वाद अनुसार. और यहाँ पे लिया रोज़ वाटर, फिर रंग, जाफरानी रंग बोलते हैं यहाँ पे, फूड कलर आप कहीं से मिल जाएगा आपको इजीली, देन देख सकते हैं ये ड्राई मसाला है, सूखा मसाला है, गरम मसाला. साथ ही में आलू, आप इस स्लाइस का ही आलू काटिएगा, बिरयानी में मेनली ऐसे ही आलू कटता है. और ये प्याज है, प्याज को अभी हमें काटना है, मैं आपको ऐसे ही पहले दिखा दे रही हूँ. तो सबसे पहले हमें चिकन को मैरिनेट करना पड़ेगा. तो सबसे पहले हमें इसमें डालना है दही, 200 ग्राम दही आप पूरा डाल दीजिएगा इसमें. जिंजर गार्लिक पेस्ट ये भी आप पूरा डाल दीजिएगा. हल्दी पाउडर, हम लोग झाल कम खाते हैं इसलिए मैंने अपने हिसाब से डाला है. आप अगर ज़्यादा तीखा पसंद करते होंगे तो आप ज़्यादा खा सकते हैं. नमक, अब हमें इसे मिला देना है. तो जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने मैरिनेट कर लिया है चिकन को, तो इसे आप आधे घंटे के लिए ऐसे ही फ्रिज में रख के छोड़ दें. मैंने मैरिनेट कर दिया, इसे मैं ढक देती हूँ, अब आप इसे फ्रिज में रख दें. तेल काफ़ी गर्म हो चुका है तो उसमें सबसे पहले हम डालेंगे तेज पत्ता, उसके बाद इसमें हम डालेंगे प्याज. प्याज को हमें गोल्डन ब्राउन होने के लिए छोड़ देना है, तब तक आप ये देखिए. आलू को भी उबलने के लिए डाल देना है 2 सीटी के लिए. आलू में हल्का सा हम डालेंगे कलर, फूड कलर, ज़्यादा मत डालिएगा, ज़्यादा होने से बहुत कलर वो ज़्यादा दिखने लगता है. साथ साथ हम इसमें नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार. नमक डालना भूले मत, वरना अगर आप ये भूल जाइएगा तो बिरयानी बनाते वक्त आलू आपको फीका लगेगा. नमक थोड़ा ज़्यादा भी डाल सकते हैं आप इसमें. उसके बाद इसे बंद करके दो सीटी लगने दें. इधर फोकस कीजिए. जैसे कि आप देख रहे हैं प्याज ब्राउन हो चुका है, अब इसमें हम अपना मैरिनेटेड चिकन ऐड करेंगे. चला देना है, ढककर छोड़ देना है 15 मिनट के लिए.
देख सकते हैं हमारा आलू उबल चुका है। अब देखते हैं हमारा चिकन। आप देख सकते हैं कि हमारा चिकन भी पूरा प्रिपेयर हो गया है, अच्छे तरीके से बन गया है ये। तो हम इस आलू को इसमें मिक्स कर देते हैं। गैस को ऑफ कर देते हैं। अब हमें चावल पकाना है। देख रहे हैं पानी गर्म होने के लिए हमने चढ़ा दिया है। अब इसमें हम अपना सूखा गर्म मसाला डाल देंगे, लौंग, इलायची, दालचीनी। तो ये सब आप डाल दीजिए और इसमें अब जब तक ये खोल नहीं जाता तब तक इसे ऐसे ढककर छोड़ दीजिए। पानी खोल चुका है, अब मैं इसमें नमक ऐड कर रही हूँ 3 चम्मच। आप पहले भी नमक ऐड कर सकते हैं, बाद में भी ऐड कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी। जैसे कि आप देख रहे हैं पानी पूरा अच्छे तरीके से खोल चुका है। अब मुझे इसमें चावल डालना है। हम कैसे करेंगे वो कर। चावल को मैंने 1 घंटे पहले भिगो कर छोड़ दिया था सोख्ड होने के लिए। ये अच्छी तरीके से सोख्ड हो गया है। अब मैं इसे ऐड कर रही हूँ पानी में। जो सोख किया हुआ राइस था मैंने उसको इसमें डाल दिया है प्रॉपर अच्छे तरीके से। अब हमें इसे ढककर ऐसे रखना होगा उबाल आने तक। जब ये उबलने लगेगा तो आप इसको ढक्कन को हटा दे सकते हैं और 10 मिनट के बाद आप इसको उतार लीजिएगा। अब ये हमारे सूखे मसालों को अभी हमें ड्राई रोस्ट करना है। तो इसे तावा पे गरम करके अच्छे से 1 मिनट के लिए रोस्ट कर लेते हैं। 1 मिनट बहुत ज़्यादा ही हो जाएगा। आप उसे भी 30 सेकेंड। ये हमारा हो गया है। हाँ, अब इसे हमें पीस लेना है। ये हमारा चावल पक गया है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा खिला खिला चावल पका है। इसके दाने देख सकते हैं कितने अच्छे उगे। इसे हमें 100% कुक नहीं करना है, आप इसे 80% ही कुक करिएगा, वरना बाद में जब हम इसे मिलाएंगे तो ये ख़राब हो सकता है। ठीक है, पहले हमें जिस बर्तन पे मिलाना है हमारा बिरयानी उसको गर्म कर लेना है और गर्म रिफाइंड ऑयल ले लेना है। थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल अपने अंदाज से, आप कितने लोग ज़्यादा ऑयली पसंद करते हैं, कितने लोग सूखा पसंद करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग आप हल्का सा ऑयल ले लीजिएगा। देखिए हमारा चावल पूरा गर्म है, अच्छे तरीके से बन चुका है, ये पक चुका है। इसे हमें आराम से मिलाना है। ये लंबा वीडियो बनेगा। ये हमारा लास्ट प्रोसेस, इसी पे सबसे ज्यादा आप लोगों को ध्यान देना होगा। कितने लोगों को ये नहीं पता कि हम लोग कैसे मिलाते हैं। उसके बाद चावल रखने लेने के बाद उसमें हम लोग कलर ले लेंगे। कलर ये मैंने गुलाब जल में रंग डालकर मिलाकर रखा है, जो मैंने आपको फर्स्ट में दिखा दिया था जाफरानी कलर। इसे मैंने गुलाब जल में, देख सकते हैं इससे कितना अच्छा रंग होता है, इसी से ही हमारा बिरयानी में कलर आता है। तो इसे हल्का हल्का से ऐसे छिड़क लीजिएगा। और ये है होममेड गरम मसाला, ये मैंने घर पे ही बनाया है। आप कितने लोग बाहर का बिरयानी मसाला भी यूज़ करते हैं, लेकिन मैं आपको यही प्रेफर करूँगी कि आप घर पे ही होममेड गरम मसाला बनाएं, सारे ड्राई मसाले को पीस कर ड्राई रोस्ट करके। अब हमें इसके ऊपर से लेयर चिकन का लेयर रखना होगा। फर्स्ट लेयर हमने चावल का रखा है, देन नेक्स्ट लेयर चिकन रखना है आपको इसके ऊपर से। तो
पूरे चिकन को अच्छे से फैला फैला कर रखना है कि आराम से वो पूरा चिकन मसाला सबको आराम से रखना। इसके ऊपर से हमें मसाला डालना है, गरम मसाला ऐड करना है। फिर एक लेयर राइस का लेयर रखना है। देख सकते हैं काफी गर्म है, अभी भी इससे धुआं निकल रहा है, तो इसे आप गर्म गर्म ही वो कर कीजिएगा, मिलाइएगा और इसको अच्छे से ढक कर रख दीजिएगा। सेम प्रोसेस है जैसा हमने फर्स्ट स्टार्ट, ये सेकंड लेयर पे भी आप ऐसे ही सब कुछ रखिएगा जैसे आपने फर्स्ट लेयर पे रखा था चिकन वगैरह। आप देख सकते हैं मैंने कैसे रखा है इसे। अब इसके ऊपर से मसाला ऐड करना है, गरम मसाला। लास्ट इसके ऊपर से हमें राइस, लास्ट लेयर राइस का रखना है। ये आया हमारा लास्ट लेयर, अब हमें इसके ऊपर से रंग ऐड करना है। अब देख सकते हैं कैसे हम इस पर रंग ऐड कर रहे हैं, ऐसे हल्का 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 पूरे। ऊपर से हल्का मसाला ऐड करके लास्ट में तेल ऐड करना ना भूले, लेकिन ये ऑप्शनल है। कितने लोग थोड़ा ऑयली पसंद करते हैं, कितने लोग ड्राई, तो मेरे घर वाले ऑयली पसंद करते हैं ज़रा, इसलिए मैं ऊपर से भी थोड़ा सा रिफाइंड तेल ऐड कर रही हूँ। आप चाहे तो नहीं भी कर सकते हैं और चाहे तो कर भी सकते हैं। चलिए तो आप देख सकते हैं हमारी बिरयानी बनकर रेडी हो गई है, बिल्कुल दुकान जैसी बिरयानी। अब मैं आपको इसे निकाल कर दिखाती हूँ। अब बिरयानी बनकर रेडी हो चुकी है, तो प्लीज़ आप लोग भी इसे ज़रूर ट्राई करें।